लगातार कोरोना मामलों को बढ़ता देख शिवपुरी प्रशासन सख्त हो गया है और बिना मास्क निकलने वाले लोगों के चालान करने की कार्यवाही के साथ ही खुली जेल में रखने की कार्यवाही भी जारी है। इसी के तहत आज शिवपुरी प्रशासन ने पोहरी चौराहे पर बिना मास्क निकले लोगों के चालान काटे और उन्हें खुली जेल में भेज दिया। इस चालानी कार्यवाही के दौरान शिवपुरी पुलिस के एक एएसआई और एक आरक्षक बिना मास्क के सड़कों पर फर्राटा भरते हुए पकड़े गए, जिनके विरुद्ध भी मास्क न लगाने के चलते चालानी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के बाद अब जिले में कोरोना को लेकर सख्ती दिखाई देने लगी है। दरोगा का नाम गजराज सिंह बताया जा रहा है, जो बिना मास्क लगाए अपनी बाइक से घूम रहे थे। जिले के अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर और भी सख्ती की जाएगी। साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि वे बिना मास्क लगाए घरों से ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। जैसा आप जानते हैं, कोरोना वायरस हमारे शिवपुरी ज़िले में 1 तारीख से लगातार केस बढ़ रहे हैं। कल भी हमारे यहाँ 12 केस निकल के आए थे। लोग बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं, किसी तरह मास्क डिस्टेंसिंग कोई किसी प्रकार का पालन नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं मास्क लगाने के लिए और कोरोना से जो बचाव है उसको सैनिटाइज और दो गज की दूरी करने के लिए। तो उसी संदर्भ में आज पोहरी चौराहे पे लगातार हम जारी रखे हुए हैं कार्रवाई, जिसमें अभी चालानी कार्रवाई हो रही है और जो लोग अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको हमने वाहन में बिठाया हुआ है। जो आपसे कह रहे हैं हम उनको जो है कुछ देर बैठा कर आवश्यक है। आप सभी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सब लोग मास्क का पालन करें, घर से बाहर निकले मास्क लगाए रखें और हर 2 घंटों में अपने हाथ को सैनिटाइज या साबुन से बराबर पुलिसकर्मी चालान मास्क के टाइम को हमको दे दिया गया है कि वो मास्क नहीं लगाए थे, इसलिए हमारे यहाँ के पढ़ाई है ये ओवरऑल प्रोटोकॉल है कोरोना का। उसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार या WHO जो भी गाइडलाइन है, सब यही गाइडलाइन है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, घर में भी घर के बाहर भी। कब तक रखा जाएगा सिर्फ आर्थिक चालान करके या फिर इनको और भी कुछ दंड दिया जाएगा खुली जेल में पहुँचा कर? अभी फिलहाल सुधारात्मक उपाय चल रहे हैं, आवश्यकता पड़ी तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले में पिछले 4 दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 22 हो गई है, जबकि अभी यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।